नमस्कार आप सभी पत्रकार बंधुओं को। मैं डॉक्टर हंसराज, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, और मेरे साथ हमारे जिला एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं भाई साहब भी साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी मंडल चुराह के हमारे उपाध्यक्ष साथ हैं और अन्य जो हमारे मित्रगण हैं वो साथ हैं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय आप सब लोगों के समक्ष आम जनमानस तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में एक बयान जो है वो बहुत बड़ा वायरल हुआ है। श्री राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली में, उनकी स्टेटमेंटें हर बार जो हैं वो एडवर्स जाती हैं और अगेंस्ट किसी न किसी के खिलाफ जाती हैं। अब उनका वो हम यूँ कहें कि इतनी बार संसद में जाने के बावजूद और इतने बड़े घर से होने के बावजूद जो एक समाज को संगठित और देश को आगे बढ़ाने वाली सोच होनी चाहिए उसके अगेंस्ट उनका हर बार इस तरह का सिलसिला बरकरार रहता है। मुझे कई बार बड़े हास्यास्पद लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वो पता नहीं उनको क्या फोबिया है कि वो ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं और ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर बैठते हैं जो उनके गले की फांस भी बनती है। आपने देखा होगा कि जब जब वो विदेश जाते हैं तो उनमें एक विदेशी की आत्मा आ जाती है और वो हिंदुस्तान को भूल जाते हैं। वो जो उनका इटालियन वो है, वहाँ की पृष्ठभूमि रही है, शायद वो कारण हो सकता है, या जो पंडित नेहरू जी का जो यूरोपीय कंट्रियों के प्रति प्यार था शायद वो आ जाता होगा, या पूर्व के हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्नेह रहा है विदेशों की तरफ राजीव गांधी जी का, शायद उनमें वो आता होगा। कारण क्या है वो हम लोगों को समझ नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ कई जगह FIRें भी करवाई हैं और यहाँ चंबा में भी हमारे जिला के अध्यक्ष साहब ने जो है वो FIR करवाई है। कारण सिर्फ एक है, उन्होंने कहा है कि हम संविधान में ऐसी व्यवस्था करेंगे या हम चाह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो इस हिंदुस्तान से हटे। आपने देखा होगा कांग्रेस को अगर ज़्यादा सपोर्ट करा है आज तक, जो 57 साल कांग्रेस ने दिल्ली में शासन किया और हिमाचल में भी इन्होंने लगभग 55 साल जो एकमुश्त शासन किया है इन 78 सालों में आज़ादी के, वो इन्होंने शेड्यूल कास्टों OBC अल्पसंख्यकों के नाम पे ही उनको ठग के उनके साथ छल करके ही ये किया है। लेकिन जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है वो अभी आप लोगों के सामने व्यक्त हो गया है। मैं पीछे देख रहा था, चाहे वो 52 का चुनाव हो, 1952 का या 54 का चुनाव हो, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी शिकस्त खानी पड़ी थी तो वो भी पंडित नेहरू जी की जो उस टाइम पॉलिसी थी अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट और एक दलित के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र रहता था वो उस टाइम भी मुखर होकर के सामने आया था। आपने देखा ही है कि अंबेडकर साहब इतने प्रताड़ित हुए हैं उनके टाइम में कि जब वो अपने मतलब बहुत मृत्यु के नज़दीक थे या उन्होंने जब अपने राजनीतिक जीवन को वो वाइंड अप कर रहे थे तब उन्होंने इवन हिंदू धर्म तक छोड़ दिया था और बुद्धिस्ट उसमें चले गए थे। वो यही कारण था कि कांग्रेस के अंदर जो शेड्यूल कास्टों के प्रति और जिस तरह से उनका रवैया रहा है, कभी हरिजन बना करके, कभी दलित बता करके, कभी महादलित बना करके, कभी शोषित पीड़ित वंचित इस तरह के शब्द करके वो हमारे लोगों को वो गुमराह करते रहे हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया पूरे हिंदुस्तान में कि इन्होंने जो अमेरिका में अभी हाल ही में जो वर्जन दिया है कि हम लोग जो हैं वो ये आरक्षण हटा देंगे आने वाले समय में, तो ये मुखालफत हम सब लोग जो अनुसूचित जाति परिवारों से, अनुसूचित जनजाति परिवारों से, शेड्यूल ट्राइब OBCs और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं सब ने विरोध किया है और FIRें भी लॉन्च की हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हमने रखी थी कि चंबा के हमारे दलित भाई, मैंने तो चुराह में भी देखा है, चंबा सदर में देखा है, भटियात में देखा है, ज़्यादातर जो हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार हैं वो इनको पिछले 70-72 सालों में गुमराह ही करते रहे। आपने देखा, मैंने भी जब चुनाव इस बार तीसरा जब चुनाव लड़ा तो जातिवाद जो है वो हमारे लोगों में फैलाया गया, कहा गया कि हमारी सजातीय व्यक्ति जो है वो इसमें लड़ रहा है, जबकि मैं खुद शेड्यूल कास्ट परिवार से
चुनाव लड़ता हूँ, एससी होने के नाते रिजर्व सीट से चुनाव लड़ता हूँ, तो इस तरह का रवैया इनका रहा है। आपने देखा होगा अभी पीछे जब सरकार भी चल रही है, कर्नल धनराम शांडिल जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, लेकिन वो कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इवन यादविंदर गोमा जी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर और ये अपना आयुर्वेद का मिनिस्टर जो है वो बनाया हुआ है, जबकि आयुर्वेद और एलोपैथी ये तो स्वास्थ्य विभाग में हो सकता था। तो इस तरह का ड्रामा आपने देखा है प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल में भी, कांग्रेस की सरकार ने भी किया हुआ है, पर उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और इनका परिवार रहा है, सोनिया जी रही हैं और जो भी हैं इनके, मैं तो वैसे इनको ज़्यादा वो करता नहीं क्योंकि उनकी स्टेटमेंटें एडवर्स ही रहती हैं हर बार। तो जो नेहरू जी का अगेंस्ट था, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं व्यवहार, वो अम्बेडकर जी ने भुगता। आगे जा करके जब 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लागू की इंदिरा जी ने, तो तब उन्होंने भी संविधान को एक तरह से ख़त्म करने की बात की थी, और जो दो साल इमरजेंसी के रहे उस दौरान भी उन्होंने ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई वंचित हुए हैं तो वो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हमारे हुए हैं, जेलों में गए। बाकी सारा वृतांत जो है वो आप लोगों को समय समय पर हमारे सभी लीडरों ने दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंबा में कांग्रेस के इस बयान की मुखालफत भी करती है, और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये वक्तव्य दिया है वो अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी है, इसका भी हम लोग घोर विरोध करते हैं। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जो अनुसूचित जाति मोर्चा हिमाचल प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में, इनके पुतले भी फूकेगी, इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी करेगी, और अगर ये मानसिकता वाला इनका रवैया ऐसा ही चलता रहा तो मैं चंबा की आम जनता से, हिमाचल की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो शेड्यूल कास्ट लोग हमारे या शेड्यूल ट्राइब लोग जो कांग्रेस को अपनी माँ की पार्टी या मातृ पार्टी कहते थे, आपने देख ही लिया कि जो वक्तव्य इन्होंने दिए हैं वो सारे के सारे इनके सामने हैं। और जिस तरह से मंडल आयोग का विरोध आदरणीय राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो भी जग जाहिर है। मंडल आयोग की जितनी सिफारिशें थी वो लागू ना हो, स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बाकायदा पत्र उस टाइम लिखे थे। तो इस तरह का रवैया इनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ रहा है, इसके लिए विशेष कष्ट आप लोगों को दिया था। दूसरा, जो चंबा में अलग चीज़ें और भी चल रही हैं हमारी, उस पर भी मैंने कहा ही है, जनता से भी आह्वान कर रहे हैं कि हम तीन मूवमेंट यहाँ चंबा में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो हमारा जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का कंसेप्ट है वो हमारा यहाँ हो, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का दौरा चंबा में हो, और चंबा में हम मेडिकल कॉलेज में सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए, इसके साथ मैं ये ऐड कर रहा हूँ, वो उसके लिए हम बहुत जल्द चंबा में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा करवा रहे हैं इन चुनावों के तुरंत बाद। और उसके बाद जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो हमारे 5 बार के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी दौरा जो है वो हमारे चंबा में हो रहा है। माननीय हर्ष महाजन जी चंबा आए थे और उनके साथ भी हमने ये चर्चा करी है कि जो हमारा SPO का मामला है उसको ले जा करके हम जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर चंबा में लगे हुए हैं उनके विषय को लेकर के भी हम दिल्ली जा रहे हैं। और दूसरा, जो यूनिवर्सिटी, जो एक एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करना, और सभी कंस्टिट्यूएंसियों में, जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे जिलों में, जैसे आपने देखा ही होगा कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा करता है तो धर्मशाला भी साथ में फीड कर रहा है, नूरपुर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ साथ नदौड़ में बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे पूरे हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। लेकिन चंबा का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिहाज से जो मेडिकल कॉलेज चंबा भी है, आज की डेट में मौजूदा समय में एक नीडल सुई दवाइयाँ और जो आयुष्मान और हिमकेयर में हम लोगों की मदद करते थे वो भी मदद नहीं हो पा रही है। इसके लिए भी हम जो है वो सड़कों पे उतरेंगे हमारे लोग, ऐसा हम लोग अब बहुत जल्द जो है वो आपके माध्यम से, आपके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से हम ये अपेक्षा भी करेंगे, आप लोग सहयोग करें सब चंबा के लोग। तो जो चंबा के ज्वलंत मुद्दे हैं, नेशनल हाईवे का मैटर है कनेक्टिविटी के लिहाज से, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें
चाहे वो हमारे यहाँ पार्किंग का विषय रहा था या और चीज़ें रही हैं, इन सब पे हम लोग वो करेंगे। और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक तीसरा रहा है हमारा, उसमें हमने कहा है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में हम नई चीज़ें, भारत सरकार को एक प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया है, उसको बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे। अभी अभी मैंने एक दिल्ली की टीम के साथ अभी मीटिंग करके निकला हूँ मैं वहाँ से, सर्किट हाउस से। तो हम चंबा के विकास के लिए, चंबा की रफ्तार के लिए, चंबा के लोगों के साथ हैं। और अब चंबा के लोगों को हो सकता है हमारे साथ और सहयोग करना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक समझे इसको या सामाजिक समझे या जैसे भी समझे, लेकिन हो सकता है हमें सड़कों पे उतरना पड़े, घेराव करने पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, चाहे वो ये राहुल गांधी जी का बयान हो या बैकवर्ड जो हमारा ये रिमोट चंबा है उसके हितों की लड़ाई हो। इतना ही मुझे कहना था। आप सब लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों की तरफ से है कुछ तो नहीं, हम लोग हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं जो टेक्निकल उसकी तरफ से होगा, और हम यूनिवर्सिटी जो है वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसमें चाहे कोई भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल जो है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर बोथ साइड है। तो हमें कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए तो हमारे बच्चे जो रोजगार के लिए वो स्वरोजगार की तरफ जाए, और हमारे पास है यहाँ लैंड, अभी लोग लैंड ऑनरशिप काफ़ी है, तो हम उसमें लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं, ऐसा मैं आप लोगों को माध्यम से। आपने एसपीओ के बारे में बोला ना जी, किस विषय में बात कर रहे हैं एस पी ओज को? एक तो जो जम्मू कश्मीर की तर्ज पे उनको हम जैसे वहाँ 18,000-32,000 ऐसे कुछ दे रहे हैं, वो मैं अभी जम्मू में था तो हमें पीछे उन्होंने भी बड़ी सारी, और पिछले 24 सालों से वो सेवाएं दे रहे हैं, पिछले 24 सालों से, तो उनके साथ भी अन्याय है। खैर, हमारी सरकार में हमने पहली बार बजट में उनको शामिल करवाया था, 1,000 उस टाइम बढ़वाया था, और अब 500-500 बढ़ते रहते हैं, बजट में हो गए हैं वो, जबकि 3,000 मिलता था, वो 8,000 तक हम खींच के ले गए। लेकिन उनको भी 16,000 या 20,000 मिले, या वो मर्ज हो जाएं, चाहे होमगार्ड्स में हों चाहे किसी और उसमें हों, ये लड़ाई भारत सरकार के साथ भी हम लड़ रहे हैं और हिमाचल सरकार के साथ भी हमारी लड़ाई है, वो चंबा के एसपीओज की, ये है जी विषय। मिश्रा जी, आपने विकास की बात की जिला चंबा की जी, हाल ही में जो है वो हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला कि भाजपा ये पहले बताए कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो हिमाचल को 60+ जो है NH मिले थे, उसमें से बोले कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पहले भाजपा जो है उसका जवाब दे कि वो क्यों नहीं हुए स्टार्ट। ऐसा माननीय पठानिया जी जो हैं वो सीनियर नेता हैं और हमारे गुरु की तरह हैं, ये थोड़ा दुर्भाग्य लगता है जब वो समॉट क्रॉस करके सीधे वहाँ पहुँचते हैं शाहपुर, तो जिस रोड पे वो एंटर करते हैं वो 4 लेन पे चलते हैं आज की डेट में, और वो 4 लेन हो रही है मटौर से, जोगिंदर नगर 4 लेन हो रही है, मटौर से ही हम हमीरपुर की तरफ जाते हैं तो वो भी डबल लेन 4 लेन ऐसे करके जा रही हैं। आप ये जो हमारा चंडीगढ़ आप जब एंटर करते हैं तो जो हमारी मनाली वाली रोड है वो सारी की सारी 4 लेन हो गई है, कीर्तपुर से मैं बिलासपुर पहुंचा था जनाब 49 मिनट्स, जहां हम 4 घंटे लगाते थे 49 मिनट्स, और मैं खुद शिमला से चंबा आज की डेट में 7.5 घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो दुरुस्ती हुई है, और वो जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं उसमें प्रमाण की क्या जरूरत है। हम जब गोली से यहाँ चंबा की तरफ आते थे तो हमने कई बार ऐसे देखा है कि हमें लगभग 1.5 घंटा 1.25 घंटा इतना लगता ही था, अब 45-45 मिनट लगते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो डबल लेन हुई है, वाइड हुई है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, मतलब इसमें तो ये ठीक है कि हमारी जो ब्रह्मण से जोत होती हुई तीसा और पांगी की तरफ जानी है उसमें अभी थोड़ी रुकावट है, वो भी हम करेंगे और उनके सहयोग से करेंगे। सर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव के पास धोखाधड़ी का आरोप, मामला दर्ज हुआ नालागढ़ में, आप किस तरह से संबंध रखते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसमें ऐसा है उनके, वैसे तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या दायित्व है, लेकिन क्योंकि चुरहा का मामला है तो उसमें एक नालागढ़ में हाँ वो कन्फर्मेशन हुई है, मीडिया ने भी छापा था, अलग अलग चैनलों में भी, सोशल मीडिया ने भी, और कईयों ने एड्रेस भी मांगा था कि उनका एड्रेस जनाब आपकी चुरहा से है। तो उसमें चुरहा में भी लगभग कोई 45-45 लाख जो गड़बड़ बताई गई है, तो उसमें साक्ष्य अभी आए नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो वेदांता जो फाउंडेशन है वो फ्रॉड है, ऐसा वो बता रहे थे जो वो व्यक्ति चला रहा है।
तो जैसे ही अब इसमें थोड़ा कानूनन हो गया है, सब जुडिस मैटर हुआ है, उसमें जैसे ही गिरफ्तारियां होती हैं उसके बाद सारा स्पष्ट आएगा। और क्योंकि फोटोज़ जो है वो मिनिस्टरों के साथ हैं, मंत्रियों के साथ है, वो तो अमूमन चलो हमारे साथ भी रहती हैं, लेकिन जो ये संवेदनशील मामला हुआ है और कानून अपना काम कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि मौजूदा सरकार को स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये कांग्रेस की छवि भी खराब हो रही है और इसमें होना चाहिए। एक जुबान फिसलने का जो आजकल चला हुआ है बड़े नेताओं का, बड़े नेताओं का, उसमें एक चीज और ऐड हुई जो कंगना रनौत ने अभी जो बयान दिया, कृषि कानून जो 3 हटाए गए उनको लाया जाए दोबारा, तो क्या आप इसके बारे में भी इसका समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं? नहीं, किसानों के लिए तो भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब लगे हुए हैं, उनकी भावनाएं के संदर्भ में थी, वही जानते हैं। लेकिन अब माननीय सांसद हैं तो उनका विषय जो है वो अगर आप उनसे ही सही तरीके से वो करें, लेकिन मुझे जो अंदर आत्मा की उनकी जो आवाज़ लग रही है वो किसानों के फेवर की है, और फेवर किया भी है उन्होंने, बार बार फेवर किया है, और वो तो उनको, उनका भी ऐसे ही कई बार सो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो जिनके लिए फेवर करती हैं तो पूरा करती हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चंपा के बारे में सोचा है, और लेकिन एक चर्चा करना चाहता आपको पता कि भी आप 3 बार विधायक रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है चंपा के लिए, और कहीं ना कहीं आपका एक कैरियर जो है बहुत जा रहा है, लेकिन जो एपिसोड हुआ है आपको पता था ना हुए, तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि उससे आपकी छवि खराब हुई? नहीं, मेरे खिलाफ तो देखो शुरू से ही षड्यंत्र रहा है, जब एक पाइप फिटर का बेटा और रिमोट ध्यास गांव से निकलता है और ऊपर से दलित परिवार से संबंध रखता हो तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। ऐसे बाबा साहब पे मैं चर्चा कर रहा था और लोगों पे चर्चा कर रही थी, वो तो देखो ये चीज़ें होनी हैं, उसके लिए हम तैयार भी रहते हैं। मेरे खिलाफ जब ये मामला पहला मामला नहीं है, इससे पहले जब ये तीसरा चुनाव में लड़ रहा था, कोई 3 महीने पहले भी उन्होंने कभी वो ऑडियो चला दी कि किसी प्रिंसिपल को धमकाया, ये किया, तो वो भी बच्चे के लिए ही किया था। अब बीच में इसमें भी हमने देखा तो जिस बेटी ने हम पे आरोप लगाया वो उसी ने खुद ही मुकर दी, तो ये चीज़ें सारी, अब लोगों को लगता है कि हंसराज जो है वो चुराह से निकल करके चंबा आ गया, और चंबा से निकल करके अब कांगड़ा और फिर शिमला भी एक आवाज़ जो है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया बहुत फॉलो करता है, जिसका जितना नाम होता है उतनी जल्दी बदनाम भी हो जाता है, लेकिन लोग समझते हैं, कम से कम मेरे जो वोटर सपोर्टर हैं, जो चुराह की जनता है, वो बिल्कुल समझती है, जहाँ मैंने रण लड़ा वो साथ हैं, तो बाकी तो दुनिया बोलती रहे, उसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन हाँ, दिल आहत होता है कि हमने 24/7 फॉर द सेक ऑफ चंबा, फॉर द सेक ऑफ चुराह, ये हमने काम किया है, और डेवलपमेंट की बात की है, जिन हमारे लोगों को ये कहा जाता था कि भाई ये चुराही आया, इसे मुस्क आ रही है, ऐसे बोलते थे हम, और जो हमने यहाँ कॉलेज में जब हम पढ़े हैं 2003-4-5 में, इवन 9-10 में, दीपक जी को पता है, हम यहाँ पर जब शुरू में आए थे, घराटों के लिए लड़ रहे थे, तो हमारे साथ क्या नहीं हुआ है, मैंने लगभग 6-7 साल केस वो भुगता है। तो जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको, इन्होंने माता सीता को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, हम तो इस कलयुग में रह रहे हैं, ये तो छोटा सा एपिसोड हुआ, क्या पता कल और क्या कांड लेकर के सामने आ जाए, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं तो बिल्कुल मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, मेरा परिवार प्रिपेयर है, मेरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार प्रिपेयर है, और मैंने तो लोगों को कहा है कि अगर आपको लगता है कि हंसराज ने पिछले 12 सालों में जस्टिस किया है चंबा के साथ या चुराह के साथ, तो आप मेरे साथ खड़े रहे, नहीं तो अगर आपको लगता है भाई मेरे को भी नमस्ते करो कि तेरे से आप नहीं चलता, ये छोड़ दे, मेरा बड़ा सीधा काम रहता है, इसीलिए शायद मेरी लोग विरोध भी करते हैं। लड़ाई हमने विद इन अ गवर्नमेंट में बैठ के भी लड़ाई लड़ी है, आउट ऑफ द गवर्नमेंट अगर सुखू जी को कोई घेरा है हाउस में भी आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने ही कि भाई दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे, आप ठीक है व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हो तो वो है, लेकिन यहाँ हमारे कुछ अपने ही लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे थोड़ा जयचंदों का और विभीषणों का पता नहीं लगता कौन कौन कहाँ से छुरा चला दे, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं। और दूसरा ऐसा है कि इस चंबा के विकास के लिए हम तत्पर हैं, और मैं आपको ये बड़े डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हम आपको अगले 2 सालों में वो रिजल्ट देंगे यहाँ चंबा के रिगार्डिंग। ये इंडस्ट्री का भी मैटर है ना, लोगों ने तो चुनावी मुद्दा बना के रखा कि शिकरी आज हो, कल हो, परसों हो, जिस दिन हंसराज ने कह दिया कि शिकरी होनी है
तो हो के रहेगी, चाहे जैसे भी होगी। या मान लो अभी जैसे हम भांग की खेती की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें मैंने ही प्रस्ताव रखा था, मैं मेंबर था उसका, और अब उसको लीगल करवा रहे हैं हम। और आपके सामने अगर कोई इंडस्ट्री हिमाचल में पहली लगेगी इसमें, चाहे वो उसके बाय प्रोडक्ट जो बनने हैं हेम्प के, भांग के, वो यही चंबा में तैयार होंगे। हमारे चंबा का जैसे चुरा है, सलूनी है, जो साउथ का हमारा इलाका है, या और इलाके हैं इधर मंगला, ये जहाँ पर भांग की, ये भरमौर का इलाका हमारा, जहाँ बहुतायता में होती है, प्लांट चेंज करने हैं हमने, इंडस्ट्री लगेगी, कपड़े बनेंगे, दवाइयाँ बनेंगी, तेल बनेंगे, उसके बाय प्रोडक्ट जितने बनते बनेंगे, पहले इंडस्ट्री वो स्थापित होगी। और इसी गवर्नमेंट में बैठ करके भारत सरकार की मदद से हम यहाँ पर वो लगाएंगे पहली इंडस्ट्री, और उसके बाद अगर लाइमस्टोन का मटेरियल हमारे पास है तो दे भी अड़चन नहीं आती है, तो सच्चाई में उसको भी हम खड़ा करेंगे, चाहे सबलेट करें, चाहे भारत सरकार इंटरफेयर करे, चाहे मैं कहीं पर किसी कॉरपोरेट कंपनी के पास जाऊं या किसी के पास जाऊं, जिस दिन हमने निर्णय ले लिया उस दिन ये लग के ही रहना है। और हम आपको ये बता रहे हैं, 41 इयर्स ओल्ड हुआ मैं, 4 चुनाव हो गए हमारे जिला परिषद मिला करके, जो हमने जिंदगी में हासिल करना था, एक गाँव, एक मजदूर के परिवार से निकल करके शायद उससे ज़्यादा हासिल किया है माँ बाप के और जनता के आशीर्वाद से। लेकिन अब हमारी सिद्धि एक ही, वो जो अर्जुन की मछली की आंख वाली चीज़ होती है, कि जो चंबा पे दाग है, कि हम चंबा में अगर किसी ऑफिसर को भेजते हैं वो 80 बार सिर खुजाता है बंदा, कि जो आते हैं वो भी क्या करते हैं आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, वो तब तक हम ठीक नहीं कर सकते। मैंने इस बार आपने देखा होगा एक भाषण दिया तीसरा छिंज मेले में, हमने कहा हमारे जो HS IAS बच्चे निकलेंगे हम उनको 2 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा, चाहे जहां से भी दूंगा मैं। और एक हमने कोटा जो हमारा संस्थान है राजस्थान में, मेरी वहां ड्यूटी थी पिछली बार, हमने वहां उनसे रिक्वेस्ट करी, वो एक फ्रेंचाइजी हमें दे रहे हैं, मतलब सिलेबस करिकुलम उनका होगा और हम यहां संस्थान चलाएंगे। क्यों नहीं DC SP निकलते हमारे, क्यों नहीं BDO और SDMs निकलते, जबकि जब हिमाचल बना था, जब IAS परमार साहब ने मूवमेंट छेड़ी थी, तो 7 जो सीनियर IAS थे वो आपके चंबा के थे, हिमाचल को बनाने वाले चंबा के लोग। और फिर चंबा आज ऐसी दुर्दशा में आ गया, उसमें किसी एक राजनीतिक दल का दोष नहीं मानता हूँ मैं, पर बीइंग ए चंबियाड़ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर पॉलिटिकल बिल नहीं रही है, नहीं तो लोगों को अहदे तो बड़े दिए गए, अहदेदार पहले भी, हम तो मामूली डिप्टी स्पीकर ही बने थे, लेकिन जो चुनाव के लिए कर सकते थे चंबा के लिए हमने जहाँ बात रखनी थी रखी, और आज एट पार हम मतलब बराबरी पे आ गए। अब थोड़ा बूस्ट और करना है, थोड़ा युवाओं का और जो किसानों बागवानों का विषय है और जो बेरोजगारों का मसला है उसको हल करने के लिए नौकरियां इतनी है नहीं, लेकिन हम जुगाड़ फिट करेंगे यहाँ पर और उससे व्यवस्था ठीक हो ऐसा हम लोग करेंगे। इतना ही मुझे कहना है, थैंक यू आप सभी।